सरगरम समाजी कारकुन व मारूफ सियासी लीडर और वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद के हलके अहबाब फारूक अहमद मित्र मंडल की जानिब से देगलू नाका हैदर गार्डन में एक तकरीब ईद मिलाप और कुल हिंद मुशायरे का एहतमाम किया गया। इस मुशायरे में मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से आलमी शोहरत याफ्ता शुरा ने शिरकत की, जिनमें जौहर कानपुरी, शबीना अदीब, अबरार काशिफ, शशि भूषण, समर जहाज देवबंद, खमर एजाज, नाजिया सहरी, खुशबू रामपुरी, वसीम राजूपुरी, जलाल महकश और मुजावर वगैरह के नाम शामिल हैं। बैरूनी शोरा के अलावा इस कुल हिंद मुशायरे में मुकामी शोरा ने भी शिरकत की, जिनमें तमीज़ अहमद परवास, अता हैदराबादी, अलीमुद्दीन असराब, जहीरुद्दीन बाबर और अल्तमश तालिब के नाम शामिल हैं। इस मुशायरे में अवामुन्नास और इल्म दोस्त अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुशायरे के आगाज़ से कबल इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब की निज़ामत अल्ताफ हुसैन MPJ ने अंजाम दी। फारूक अहमद मित्र मंडल के जिम्मेदारान ने तमाम शोरा इकराम की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए उनका खैर मकदम किया। SM समीर ने फारूक अहमद की शख्सियत का तारुफ और उनके अब तक के कारनामों की रुदात पेश की। फारूक अहमद ने अपने खिताब में ये वादा किया कि इनकी जानिब से हर साल नांदेड़ में इसी तरह कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया जाएगा। मुशायरे में भारी तादाद में शिरकत करके इसे कामयाब बनाने पर फारूक अहमद ने नाजरीन का शुक्रिया अदा किया। इस्तकबालिया तकरीब के बाद मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ। अमरावती से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शायर अबरार काशिफ ने मुशायरे की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। अबरार काशिफ ने नहायत ही खूबसूरती से निज़ामत की, इसे सामाइन ने काफ़ी पसंद किया। निज़ामत के साथ साथ अबरार काशिफ ने अपने अशार से भी अवाम को खूब महसूस किया। आप सब लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और सबसे पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक लंबे अरसे के बाद में, कोरोना के बाद में, लॉकडाउन के बाद में इस तरीके की महफिलों के ऊपर पाबंदियाँ लग गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि आज हम सब लोग यहाँ पर बैठकर इसी हॉल के अंदर इन तमाम जो शोरा मुख्तलिफ मुल्क के इसमें दुनिया भर में मशहूर शोरा यहाँ हैं उनको सुनने का मौका अल्लाह ताला ने आज हम लोगों को दिया है, इसलिए मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ के फैन क्लब के नाम से जो हमारे दोस्त अहबाब की कमेटी है उन तमाम लोगों का भी शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जस्तजू की, और आखिरकार सबसे बड़ा शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों से वादा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज के मुशायरे को तमाम मौजूद शोरा इकराम की मौजूदगी और आप तमाम लोगों की ताईद से कामयाब किया है, तो इंशाल्लाह आने वाले हर साल में ये मुशायरा हर साल रखा जाएगा और ये इंशाल्लाह आगे तक चलेगा और हर साल ये मुशायरा होगा। ओ जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो मेरा नबी है। सुनसान सड़क पे अरे आधी रात को चलने फिरने की, घूमने फिरने की, जो तुम ना दोगे तुम ना दोगे तुम ना दोगे आजादी हम छीन के लेंगे, लड़के लेंगे पढ़ के लेंगे आजादी, ओए आजादी आजादी आजादी। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, हम भी उसको ध्वस्त करेंगे इकताबद्ध कतारों से,
चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों, सुनसान सड़क पे आ, अरे अभी रात को आ, अरे भुखमरी से आ, अरे गरीबी से आ, अरे बेकारी से आ, अरे बेगारी से आ, अरे युवा मांगे आ, महिलाएं मांगे आ, अरे बच्चा बोला, अरे मैं भी बोलूं, अरे तुम भी बोलो, मैं मर भी जाऊं, मेरे खून से लिखना, मेरी कब्र पे लिखना, जो तुम ना दोगे, तुम ना दोगे, तुम ना दोगे आजादी हम छीन के लेंगे, लड़के लेंगे, पढ़ के लेंगे आजादी, ओए आजादी, 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 ओए ओए आजादी, आजादी, आजादी। बहुत शुक्रिया। ये शोला, ये शबनम, ये मिट्टी, ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीक सफर, ये रिश्ते, ये नाते, घराना, ये घर के औलाद भी दी, दिए वाले दैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊर और नजर, ये बस्ती, ये सहरा, ये खुश्की, ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए, गरज के सभी। जो खानदानी, बहुत मेहरबानी, जो खानदानी रखते है नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। कहूंगा सभी को, नफरतें बर्बाद कर देंगी, हमें बर्बाद कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, हमें बर्बाद कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। ये धरती गाजियों की है, ये धरती है शहीदों की, ये धरती है हमीदों की, ये धरती दुश्मनों की है, ये धरती है हमीदों की। मोहब्बत का आलम हर गांव हर बस्ती में लहराओ, वतन खतरे में है, हिंदू मुसलमान एक हो जाओ। क्या कहने, क्या कहने, कपड़े पहन के गांव के नंगे भी आ गए, करने हमारे शहर में दंगे भी आ गए, मैं कश ये नेतागिरी में लुच्चे लफंगे भी आ गए। बीवी पे हुक्म चलाते थे बहुत और माशू का गुस्सा भी कराते थे बहुत, बीवी पे हुक्म चलाते थे बहुत, माशू का गुस्सा भी कराते थे बहुत, आ गई थी चाल में तुम्हारे भी अकड़, अरे इसको पकड़ कभी उसको पकड़, आ गई थी, अरे आ गई थी चाल में तुम्हारे भी अकड़, आ गई थी, अरे आ गई थी चाल में तुम्हारे भी अकड़, इसको पकड़ कभी उसको पकड़, होना ही पड़ेगा तुम्हें, बनना ही पड़ेगा तुम्हें अपनी बीवी का गुलाम। ओ आराम आराम करो, आराम आराम, जब से कोरोना आया शायद कोरोना आया, कभी को मिला ये काम। ओ आराम आराम करो, आराम आराम, काले बजा दो जरा आराम। प्यार किया है तो निभाने के लिए आ, जब प्यार किया है तो निभाने के लिए आ, मैं रूठ भी जाऊं तो मनाने के लिए आ, मैं रूठ भी जाऊं तो मर। नाजिया कहते हैं जो इसको विकार है वकार, और नाजिया कहते हैं जो इसको विकार, ऐसे लोगों से भी उर्दू हो रही है शर्मसार, ऐसे लोगों से भी उर्दू हो रही है शर्मसार। बहुत अच्छे नाजिया। हमें दुनिया से क्या लेना, क्या ईमान वाले हैं,
निराली शान रखते हैं, निराली शान वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने दी यहाँ कुर्बानियाँ अपनी, हमें गद्दार मत कहना, हम हिंदुस्तान वाले, हमें गद्दार मत कहना, हम हिंदुस्तान वाले हैं। हमारे खून में शामिल हुई इस देश की मिट्टी, न हम ईरान वाले हैं न पाकिस्तान। सियासत में कभी मत सोच कर्मों की सजा क्या है, तुझे तो सोचना ये है बुरे से भी बुरा क्या है। बहुत अच्छा, वाह वाह। सियासत में कभी मत सोच कर्मों की सजा क्या है, तुझे तो सोचना ये है बुरे से भी बुरा क्या है, और बदी को कर बुलंद इतना कि हर कानून से पहले ये पब्लिक खुद कहे तुझसे बता तेरी सजा क्या है। गंजपन की भी एक कहानी है, गंजपन की भी एक कहानी है, मौज दरिया की ये रवानी है। हर किसी के नहीं है झड़ते बाल, आशिकों की एक निशानी है। दिल्ली की सल्तनत को वजीरों में बांट दी, वजीरों में बांट दी, जो कुछ बची कुची थी अमीरों में बांट दी, अमीरों में बांट दी। जितनी जमीन पे तुमने उगाई है खेतियां, जितनी जमीन पे तुमने उगाई है खेतियां, उतनी जमीन तो हमने फकीरों में बांटी। अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहें मेरी आवाज न्यूज 24 लाइव के साथ, और मेरी आवाज न्यूज 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।